आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ खत्म। चौथे दिन संदीप घोष से सीबीआई ने करीब 12.5 घंटे तक की पूछताछ। संदीप को आज भी करना होगा सीबीआई के सवालों का सामना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रपति, गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोहराई ममता बनर्जी पर केस चलाने की बात, कहा ममता को इस्तीफा देना चाहिए। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती की प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स को धमकी, कहा मुख्यमंत्री को बदनाम करोगे तो तृणमूल कार्यकर्ता आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। अरूप चक्रवर्ती के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का पलटवार, कहा आप कितने लोगों का हाथ तोड़ेंगे। आज ममता बनर्जी के खिलाफ उठ रहे करोड़ों हाथ और उंगली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को लिखी चिट्ठी, डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला, आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर मामला, कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनेगी मामला। कोलकाता में पीड़ित परिवार के वकील का बयान, कहा कि हमें भी शक है कि लड़की की हत्या कर शव को कहीं और रखा गया। कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर बुलाई बैठक, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आज रखी है मीटिंग, मौजूदा कानून और प्रोटोकॉल पर होगी बातचीत। सीबीआई की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चप्पे चप्पे को खंगाला, वारदात से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश। कोलकाता केस को लेकर आज एबीवीपी का मार्च, छात्र संगठन ने किया स्वास्थ्य भवन चलो मार्च का आह्वान। दोपहर 12:30 बजे सिटी सेंटर से स्वास्थ्य भवन तक निकलेगा मार्च। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस ने भेजा था नोटिस, लेडी डॉक्टर मामले पर की थी पोस्ट। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर मामले पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, महिला सीएम के रहते ऐसी घटना होना शर्मसार करने वाली बात। टीएमसी नेता मदन मित्रा का बयान, कहा बंगाल में लोहे का हाथ लेकर सत्ता में आई है टीएमसी। बीजेपी का पलटवार, मदन मित्रा अपनी मुख्यमंत्री को लेकर बंगाल से कहीं और चले जाएं। कोलकाता की घटना पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा का बयान, कहा कोलकाता जैसी घटना असम में होती तो हमारी सरकार फौरन इंसाफ कर देती, बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और वकीलों के बीच बहस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील निकाल रहे थे जुलूस, इसी दौरान हुई कहासुनी। तेलंगाना में बारिश का जबरदस्त प्रहार, सड़क पर पानी के बहाव में स्कूटी समेत बहा युवक। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, मुंबई में भी अगले 3 से 4 दिनों में बारिश का अनुमान। बारिश के बाद बदला दिल्ली एनसीआर का मौसम, झमाझम बारिश के बाद जलमग्न दिल्ली के कई इलाके। दिल्ली में मिंटो रोड पर भरा बारिश का पानी, ऑटो रिक्शा डूबा हुआ आया नजर, आश्रम ब्रिज के पास भी जलभराव, पानी में फंसी एम्बुलेंस। यूपी के गाजियाबाद में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। बारिश के चलते गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर लगा लंबा जाम, दिल्ली जाने वाले लोगों को परेशानी। बारिश के बाद नोएडा वासियों को भी मिली राहत, कई जगह पानी भरने से ट्रैफिक हुआ स्लो। यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ आने का बड़ा खतरा। वायनाड में 30 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा का वीडियो आया है सामने, सीसीटीवी में कैद हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें, अचानक आए मलबे से बेकरी हुई थी तबाह। हिमाचल के शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास जबरदस्त भूस्खलन, मुख्य सड़क पूरी तरीके से बंद, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जारी किया है कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के लाधी इलाके में भारी बारिश से आई बाढ़, अजरोली के ठीक नीचे बारिश का कहर, रोनहाट हरिपुर धार सड़क मार्ग पर यातायात बहाल करवाने में जुटा पीडब्ल्यूडी। मंडी जिले के थाची के मुराह रोड का बुरा हाल, जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हुए हैं लोग, पुल बनाने की लगातार अपील पर कोई सुनवाई नहीं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में खिसका पहाड़, बैजनाथ चढ़ियार सड़क मार्ग पर आया पहाड़ से मलबा, सड़क खोलने का काम जारी है, भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ।